ये देख ब्लॉक्स। और अभी मैं आ चुका हूँ मूलचंद के ऊपर, मूलचंद के नीचे सॉरी, मूलचंद की मेट्रो मेरे ऊपर। यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ना एक जामे स्पॉट पे भी खड़ा हूँ। तो गाइस यहाँ पे होता था पूरा मूलचंद का छोटा सा एक स्टॉल जहाँ पे पूरे पराठे वगैरह बनते थे, ये बैक साइड पे जब ये मेट्रो भी नहीं होती थी। और आज से मैं आपको अगर 40 साल पहले पीछे लेके जाऊँगा ना, वो स्टॉल यहीं लगती थी और यहीं से जाते थे पराठे, चाय और सब चीज़ें। तो काफ़ी पुराना इतिहास है इस मूलचंद पराठे का और काफ़ी लोगों ने काफ़ी जगह देखी होगी स्टोर। अब वो यहाँ पे आ चुका है उस मेट्रो स्टेशन के नीचे। तो चलिए चलते हैं उस साइड पे जहाँ पे वो स्टोर आ चुका है, वहाँ से कुछ करेंगे अपना आइटम फूड ऑर्डर। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मूलचंद पराठा पे। ये है मूलचंद पराठा। उस जगह से इस जगह का सफ़र बहुत ही लंबा है, बहुत ही पुराना है। और उसके साथ एक ना यहाँ पे CCD का स्टोर होता था, तो उस स्टोर को भी कवर कर चुके हैं हमारे मूलचंद पराठे वाले। आप देख सकते हैं मूलचंद पराठा सामने पूरी ये स्टोर उन्होंने बड़ा कर लिया है। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग देख सकते हैं कि सामने की साइड आपको सीटिंग स्पेस मिल जाएगा बहुत बढ़िया वाला, अच्छा वाला। और अभी मैं जाता हूँ अपना ऑर्डर करने के लिए, पाव भाजी भी इनके पास, चलो ट्राई करते हैं। भाई इस साइड मिलेगी मेरे को टोकन टिकट, तो मैं जाता हूँ उसको लेने के लिए। पहले काफ़ी भीड़ है गाइस, ये मिल गई मेरे को मेरी स्लिप, ये दोनों होगी इधर भैया, ये ले लीजिए। ये अंदर की जो सेटिंग स्पेस है ना, मतलब जो आप अंदर आके खा सकते हैं। गाइस जा चुका है देखो मेरा पराठा, आलू नॉर्मल आलू पराठा, प्लेन पराठा काफ़ी टेस्टी यही है। चिल्ली गार्लिक पराठा मेरे को देखा था ट्रे ट्राई करने को, बट मैंने किया नहीं यार। ये जो ये चटनी और जो ये प्याज है ना मज़ेदार, और ये अमूल बटर ऊपर से डालेंगे। कहीं जो काउंटर था ना वहाँ मिलती है मेरे को ये आलू का पराठा, और अब जो मेरी पाव भाजी बची है ना वो मेरे को यहाँ से मिलेगी, तो यहाँ देना पड़ेगा खानी है। कहीं देखो वहाँ पर रेडी हो गई मेरी पाव भाजी। सही है, पहले यार सिटिंग स्पेस का बड़ा इशू था, वो ख़त्म हो चुका है। जो लोग काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं उनके लिए बढ़िया रहता है। गाइस यहाँ बन रही है मेरी पाव भाजी, पाव भाजी इधर ना भैया। और ये देखो ये पूरा मेन्यू, ये साइड से देख सकते हैं। चलिए जी आ चुकी है जो 80 रुपीज़ की है, और जो पराठा 45 का वो भी आ चुका है, तो काफ़ी टेस्टी है। लेकिन आपको बता दूँ बताने की जरूरत नहीं, टेस्ट तो काफ़ी अल्टीमेट है, बट पाव भाजी ट्राई करूँगा नहीं तो बता दूँ कैसी है। बढ़िया, अब आलू के पराठे की बारी। बढ़िया से बढ़ रहा, सब जगह फैल जाना चाहिए। जो गया मेरा दीवार है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वहाँ वीडियो क्यों नहीं बनाई और इधर क्यों बना रहा हूँ और बाहर की साइड क्यों बना रहा हूँ। तो जो आप देख सकते हैं ना ये जो लाइट है, आज है बारिश का मौसम, उस तरह के मेरे को लाइट्स नहीं मिल रही है मेरे को इस साइड का। आप देख सकते हैं अभी मेरे शेडो जो आने लगे थे ना, तो मैं इस साइड पर इसलिए आगे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी लाइट है। तो कैसे पहले मैं सोच रहा था कि संजय चूरचूर नान की वीडियो बनाऊँ, चूरचूर नान आपको दिखाऊँ कि कितने टेस्टी चूरचूर नान मिलते हैं संजय चूरचूर नान पे मूलचंद पे। तो बट मैंने कहा नहीं यार,
मेरे पापा मेरे को बहुत रोज मतलब कभी ना कभी टोके देते हैं कि मूलचंद की वीडियो कब बना रहे हैं। मूलचंद का इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि जब वो 30 साल पहले या 35 साल पहले जॉब करते थे ना इधर शादी के नगर में, तो वो रात के टाइम 10-11-12 बजे भी वो यहाँ से पराठे मंगाते थे और उनको मिलते थे। जो वो स्टाफ था वो उनके लिए मंगवाते थे रात के टाइम, डिनर के टाइम पे कई बार वो पराठे वगैरह भी ऑर्डर करते थे क्योंकि कुछ नहीं मिलता था, तो मूलचंद पराठा मिलता था, वो खुला रहता था और काफ़ी बढ़िया से वही सेम टेस्ट उनको उस टाइम मिलता था और सेम चीज़ मेरे को मिल रही है। तो हम दोनों मतलब दो पीढ़ी तो हो गई जो सेम टेस्ट मूलचंद पराठे को टेस्ट कर रही है, जो उनको टेस्ट मिल रहा है और कोई डिफरेंस नहीं आया अभी तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बट हाँ ये चीज़ है कि पहले थोड़ा पराठा बड़ा होता था, काफ़ी बड़ा पराठा होता था, वो थोड़ा सा अब हल्का सा उसमें फ़र्क आया, बट कोई नहीं, इतना चलता है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है गाइस। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ संजय चूरचूर नान की, तो यहाँ के चूरचूर नान ट्राई करेंगे। इनका काफ़ी बढ़िया से अरेंजमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं इधर के, टेस्ट भी अच्छा है और बहुत लोगों ने मेरे को रिकमेंड भी किया है, तो मैंने कहा अभी पापा की रिकमेंडेशन में चलते हैं, मूलचंद पराठे की वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा इतिहास बताते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते हैं संजय चूरचूर नान के ब्लॉग में। तो गाइस चलता हूँ मैं यहाँ से, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।